नमस्ते बच्चों, स्वाति शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा है 2 और विषय हमारा हिंदी। देखो बच्चों, आज हम किताब में से पढ़ रहे हैं जो रिमझिम हमारी 2 यानी उसमें पार्ट नंबर 1 है ऊंट चला, ऊंट चला। तो देखो बच्चों, आज हम किताब में से पढ़ रहे हैं जो पार्ट 1 है हमारा, किताब में से हमारा पार्ट नंबर 1 और हम स्वाध्याय पुस्तिका में से पढ़ेगा वो क्या होगा, हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। चलो, ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो ये क्या है बच्चों, एक कविता की तरह है, जो गीत है यानी आप इसे कविता भी बोल सकते हो। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। तो इस कविता में बोला है कि ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता यानी जब ऊंट चलता है तो कैसे हिलते डुलता वो चलता है। आप देखना, आपने देखा होगा ऊंट को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैमल। जब भी आप बाहर घूमने जाओ या कहीं पर भी जाओ, आपको ऊंट दिख जाए तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, उसे देखने की इच्छा होती है कि वो कैसे चलता है, उसका मुंह कैसे हिलते रहता है। तो यहाँ पे बोला है कि ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। और हम जब उसे ऊंट को देखते तो ऐसा ही बोलते कि इतना ऊंचा ऊंट है, देखो कितना लंबा है, ऐसा हम बोलते हैं। और भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, और उनकी क्या होती है, गर्दन बहुत ऊँची होती है, पीठ भी बहुत ऊँची होती है। पीठ उठाए ऊंट चला, और पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो वो झुंड को ढोने दो, बालू यानी रेत, जहाँ पे भी रेत है या कुछ भी हो तो वो होने दो, लेकिन फिर भी ऊंट चलेगा दौड़ेगा, नहीं फंसेगा बालू में, बालू भी ऊंट चला, और बालू में नहीं फंसेगा उसमें भी ऊंट चल जाएगा। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। अब जब थक कर बैठेगा ऊंट यानी जब वो सामान ढोता है, बोझा उठाता है, सामान यहाँ से वहाँ करता है, तो वो क्या करता है, थक जाता है, और रेत में चलते वो थक जाता है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ऊंट थक कर बैठेगा तो किस करवट पर बैठेगा, ये आपको बताना है कि किस करवट पे वो बैठेगा। तो वो कैसे बैठेगा ये आपको भी पता है, आपने देखा होगा बुक में या कोई भी किताब में, या आपने बैठे हुए ऊंट टीवी में देखे होंगे, या आप कहीं गए हो घूमने तो वहाँ पर भी आपने बैठे हुए ऊंट देखे होंगे। बता सकेगा कौन भला ऊंट चला भाई ऊंट चला, और बता सकेगा कोई भला, तो जो आपने देखे हैं कौन सी करवट पर वो बैठते हैं, तो ये आपको वहाँ पे बताना है। चलो दूसरे पेज पर चलते हैं। झटपट कविता पढ़कर मजा लो, तो झटपट कविता पढ़कर आपको क्या बोला है कि मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूछ ऊंची, तो कुछ ऊंट ऊंचा तो कुछ पूछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची, तो कुछ ऊंट ऊंचा तो कुछ ऊंच ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची यानी ऊंट की, देखो ऊंट सब ऊंचे होते हैं, उनकी गर्दन ऊंची होती है और वो उनकी पीठ भी ऊंची होती है। तो यहाँ पे क्या नाम आएगा, अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। हाँ, तो आप इसे कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूछ ऊंची, जब आप ये पढ़ोगे तो आपकी जीभ लड़खड़ा जाएगी। कैसी लगी कविता, अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। तो यहाँ पे आप क्या नाम दोगे, ऊंचा ऊंट, ऊंचा ऊंट। तो यहाँ पे इस कविता को आप जो भी नाम देना चाहो तो आप दे सकते हो, तो ऊंचा ऊंट यहाँ पे आएगा। तो आप ऊंट ऊंचा भी लिख सकते हो, ऊंचा ऊंट भी लिख सकते हो। रेगिस्तान, देखो बच्चों, ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं, नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। तो आपको यहाँ पे देखो, ये रेगिस्तान की जगह है, और यहाँ पे जो चित्र आपको अच्छा लगता है सही जगह पर ऊंट की जगह बनानी है। तो अभी देखो ऊंट यहाँ से नहीं, तो यहाँ पे आप उनकी चित्र बना सकते हो, यहाँ पे भी उनकी चित्र बना सकते हो। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है, तो कहाँ कहाँ मिलती है बालू और रेत, कहाँ कहाँ पे मिलती है बालू अथवा रेत, समुद्र किनारे या रेगिस्तान में प्राप्त की जाती है ना। आपने देखी हुई समुद्र किनारे भी रेत पाई जाती है। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। आप अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा है,
तो देखो बच्चों यहाँ पे बोला है आपको कि ऊंट कितना ऊंचा है, तुम्हारी कक्षा की दीवार जैसा, हाथी जितना या बिजली के खंभे जितना। तो कितना? बिजली के खंभे जितना। हाथी कितना मोटा है? तो संदूक जितना। कितना? तुम्हारी माँ के संदूक जितना। तो यहाँ पे क्या आएगा? संदूक जितना। फिर है चींटी कितनी छोटी है? चींटी इतनी छोटी है। तो यहाँ पे क्या आएगा? चींटी चीने की दाने जितनी। तो चीनी के जितना, जितनी चीने की जितनी। आपने देखी है ना चींटी, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। तो देखो कुछ ऊंचा कुछ नीचा, ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। तो अभी ऊंट से ऊंची चीज पर क्या करना है हमें? गोला लगाना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ऊंट से ऊंचा क्या क्या है? बचिया, बिजली का खंभा। ऊंट से ऊंची यानी बिजली का खंभा, ऊंट से ऊंचा। फिर आम का पेड़, फिर तुम्हारी कक्षा की छत या हाथी। तो हाथी इस पर क्या करना था हमें? गोला लगाना था। उनके नीचे से क्या क्या निकल सकता है? तो उनके नीचे से क्या क्या निकल सकता है बच्चों? बैल। उनके क्या निकल सकता है? एक छोटा सा बच्चा, बच्चिया। आप बता सकते हो कि कौन कौन निकलेगा? आपको ये बताना है कि कौन कौन निकलेगा उनके नीचे से। तो एक बच्चिया, भेड़ या बकरी, कुत्ता, सभी छोटे मोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो उनके नीचे से निकल सकती है ना। तो अभी देखो बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी। हाथी क्या क्या उठाकर चलेगा? लकड़ी, सवारी, माल सामान, टीचर जी किताब, पेन, कॉपियाँ, पिताजी मुझे बैग, सामान। और आपको बताने के लिए बोला है यहाँ पे कि बताओ क्या क्या ये जो यहाँ पे नाम दिए वो क्या क्या उठाकर चलेंगे। तो आपको बताना है कि आपके पिताजी तो आपको उठा सकते हो जो छोटे बच्चे होते हैं। बैग, सामान, शेर, शिकार, शावक, दादाजी छड़ी, चश्मा, पोता पोती को उठा सकते हैं। अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको बॉक्स दिया है। तो यहाँ पे आपको जो ब्रैकेट्स में शब्द दिए हुए हैं कि यहाँ पे ऊंट तो झूठ, सूट, कूट। तो बालू, आलू, चालू, भालू। फस, दस, हस, भस, मस। चला, भला, गला, फला, तब, कब, सब। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको शब्द दिए हुए हैं, वही आपको इसके सही शब्द देखो और मिलते जुलते शब्द यहाँ पे लिखना है। ऐसा ही और एक शब्द सोचकर लिखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया है। यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में दो दो शब्द हैं, यहाँ पे मैंने अलग से कुट, बालू, मस, भला, सब, फला, सब, ऐसे मैंने शब्द यहाँ पे एक ही डाल दिए थे। देखो बच्चों आगे देखते हैं। अक्षर की बात। तो अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनको नीचे रेखा खींचो। कविता में जो ब से शुरू होने वाले शब्द है तो उसमें हमें क्या करना है? उस पर रेखा खींचनी है। तो देखो बच्चों कविता में कौन कौन से शब्द हमें आए हैं, तो आपको ढूंढकर ब के नीचे क्या करनी है? रेखा खींचनी है। तो ब से जो चालू होते हैं, यहाँ पे है क्या? नहीं है। ब से चालू होने वाले, फिर यहाँ पे देखो बालू, बोझ, ऐसी आपको क्या करनी है? रेखा खींचनी है। फिर यहाँ पे है बैठेगा, है ना, बता, ऐसे आपको यहाँ पे रेखा खींचनी है ब से चालू होने वाले शब्द पर। तो आपको समझ में आया ना? फिर है यहाँ पे तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर के चार शब्द लिखो। तो जो भी आपका नाम जिस अक्षर से शुरू होता है उसके चार, जो उससे ही चार शब्द शुरू होते हैं उसमें ही आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि आपका नाम, फिर दूसरा जैसे आपका सोनल नाम हो तो यहाँ पे आएगा सोनाली, है ना, संगीता, ऐसे आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो। तुम्हारे किस अक्षर से शुरू होता है उस अक्षर के चार शब्द और लिखो। तो यानी आपको जो नाम से आपका शब्द शुरू होता है उस नाम के चार शब्द यहाँ पे लिखने हैं। बोझा, बालू है तो होने दो,
यहाँ पे क्या बोला है, बालू है तो होने दो, बो झुंड को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? तुम्हारे आसपास कौन कौन से बोझ उठाते हैं? तो देखो बच्चों, ये प्रश्नों के उत्तर जो है मैं पीडीएफ के द्वारा आपको मैं पार्ट नंबर 2 में यानी स्वाध्याय पोथी में से आपको भेज दूंगी, जो आपको लिखने हैं। और ये आपके मन से आपको लिखने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे कविता दी है, पढ़ा तो अक्की बक्की करे तरक्की। ये कविता आपको खुद लिखनी है, अक्की बक्की करे तरक्की। अक्की बक्की करे तरक्की, इक्की दुक्की बने पड़क्की। इक्की दुक्की बने पड़क्की। कितने ऊंट, अभी यहाँ पे बोला है कितने, इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है बिना देखे बताओ। तो यहाँ पे कितनी बार ऊंट शब्द आया है ये आपको क्या करना है, यहाँ पे गिनकर यहाँ पे लिखना है बच्चों। तो कविता में आपको गिनकर ऊंट शब्द कितनी बार आया है वो आपको क्या करना है, ढूंढ कर निकल वो कितनी बार आया है वो यहाँ पे लिखना है। कि 12 बार आया है, 13 है, 15 बार आया है, तो यहाँ पे आपको लिखना है। नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं ध्यान से देखकर बताओ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो आपको चित्र ऊंट का दिया है उसमें कितने ऊंट छुपे हैं तो आपको ये ध्यान से देखकर गिनकर ये लिखने हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ऊंट दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, सब उनको गिनना है कितने ऊंट छुपे हैं, तो आपको गिनकर इन्हें यहाँ पे लिखना है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 ऊंट चला, पार्ट नंबर 1 ऊंट चला यहाँ पे पूरा हुआ बच्चों। भाग 2 में यानी पार्ट नंबर 2 में हम स्वाध्याय पोथी में से प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तब और क्या करना है आपको, ये नोटबुक में जो मैंने लिखा है वो भी आपको इस किताब में लिखना है, ये पाठ्यपुस्तक में आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखाया है आपको ये वाला लकड़ी सवारी माल, तो ये मैं पीडीएफ के द्वारा आपको भेज दूँगी, ये आपको सबको लिखना है। और ये आपको कविता 2 बार अच्छे से पढ़नी है। ओके, जय गायत्री बच्चों।